अभी हमारी बहन बेटियां खूब सज धज के जाएंगी रामलीला देखने, ठीक है। सरयू नदी में सुसाइड किया था राम, डूब के मरा था। इन लोगों ने कह दिया कि हमने जो ना वो जल समाधि ले ली, सारे भाई मार दिए थे वाली ने से। अब एक बात तो आप, हमारी ये बहने बैठी हैं, बहन जी सुनो, ये बहने बैठी हमारी, मान लो ये तालाब में नहा रही है और इनके कपड़े उठा कोई आदमी पेड़ पर चढ़ जाए तो आप उसे क्या चप्पलों से नहीं मारोगे क्या? ये लोग पूजा करवा रहे हैं, जन्माष्टमी मनवा रहे कृष्ण ने, है ना। और एक और देखो, एक और नई बात, अब राधाष्टमी मनाने लगे, वो जो उसकी रखेल थी, इनके भगवान की जो रखेल थी, अब वो राधामा होगी, उसकी भी जन्माष्टमी मनाने लग रहे। अब वैसे किसी का हो जाए प्यार प्रेम शादी हो जाए तो ये लोग जो है उसको वैसे देखते हैं और वैसे अपने लोगों की ये लोग अष्टमियां मनाते ये करते हैं वो करते हैं। आज गणपति महोत्सव है, आप लोगों को पता गणपति का इतिहास पता है? कितने लोगों को पता गणपति विसर्जन क्यों होता है? मेरे को पता है। मैं औरों को बताता हूं जिनको नहीं पता। बाल गंगाधर तिलक ने अपने घर में गणपति बिठाया था 10 दिन के लिए और फिर क्या करा उसने, नगर में उसकी यात्रा निकाल दी, यात्रा निकालेंगे जी सबको दर्शन के लिए। उसमें क्या हुआ, कुछ शूद्र लोग थे हमारे लोग, उन्होंने टच कर दिया तो ब्राह्मण सारे खिलाफ हो गए, तूने क्या कर दिया, ये तो वो अशुद्ध हो गया, ये है वो है। रास्ते में एक नदी आती थी, देख मारा उसमें गणपति ने, बोले शुद्ध हो गया, धर्म नहीं मानने देंगे है। आज वही हो रहा है, 10 दिन तो पूजा अर्थ में और फिर उस पर दे लट्ठा, कोई उस पर ऊपर चढ़ता कोई नीचे है। अरे ये सारे हमारे ही लोग लगे हुए हैं, हमारे ही लोग लगे हुए हैं, जितने भी इनके हैं त्यौहार है ये सब उल्टे हैं, इन्होंने अपने तरीके से मनवाए आप लोगों।